माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग वर्कशीट से डेटा सर्च करना। यहाँ पर ये हमारे पास एक सैंपल डेटा है जिसमें अलग अलग सीट्स पर अलग अलग सिटीज का सेल्स डेटा दिया गया है मंथ वाइज, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ समरी वाली शीट पर इस सर्च बॉक्स में जिस भी सिटी का नेम आप टाइप करेंगे उस सिटी का सेल्स डेटा यहाँ मंथ वाइज सर्च हो जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी सिटी नेम नहीं एंटर किया गया है तो यहाँ पर न्यू डेटा फाउंड दिख रहा है सेल्स। यहाँ पर हम सिटी नेम टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया आगरा, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा सिटी का सेल्स डेटा मंथ वाइज रिफ्लेक्ट हो गया है। सिटी नेम हम टाइप करेंगे लखनऊ, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। ये आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, डेटा एक्यूरेट है। जो भी सिटी नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो सिटी का डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। जितने भी सिटीज की वर्कशीट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी उनमें से जो भी नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे उस सिटी की वर्कशीट का डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च बॉक्स क्रिएट करेंगे, इसके लिए ये B3 सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसमें टाइप करेंगे सर्च। इस सेल में हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे जो इस सेल में है, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उन पर जाएंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉन्ट साइज थोड़ा हम इंक्रीज करेंगे तो उन पर जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट रखेंगे 14। अब इन सेल्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उन पर जाएंगे और मर्चेंट सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे। यहाँ से कोई लाइट ब्लू कलर फिल करेंगे, मिडिल में अलाइन करेंगे और बोल्ड रखेंगे, फॉन्ट साइज रखेंगे 12। अब यहाँ पर इस आइकन को हम प्लेस कर लेंगे यहाँ पर। ये आइकन आपको गूगल पर मिल जाएगा सर्च आइकन के नाम से। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग सीट्स पर अलग अलग सिटीज का डेटा दिया गया है। फिलहाल हमारे पास ये चार शहरों का डेटा है, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ और आगरा। वापस समरी शीट पर आएंगे तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जिस भी सिटी का नेम यहाँ पर टाइप करें उस सिटी का सेल्स डेटा यहाँ पर मंथ वाइज रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इस सेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेल का मोस्ट पॉपुलर फंक्शन वी लुकअप अप्लाई करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, ये देखिए वी लुकअप फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, वी लुकअप फंक्शन का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ पर ये मंथ नेम वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ का सेल्स डेटा हम सर्च कर रहे हैं, कोमा वी लुकअप फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है टेबल, यानी जहां से आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं। हम क्योंकि यहाँ पर सेल्स सर्च कर रहे हैं मंथ के लिए तो वो यहाँ पर इन सीट्स पर हैं अलग अलग, तो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है कि किस सीट से डेटा हमें अभी यहाँ पर सर्च करना है। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर इसी एक वर्कशीट के डेटा की रेंज को टेबल एरे में दे देंगे। तो यहाँ पर हम ये लखनऊ वाली शीट पर आएंगे और इन रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। F4 प्रेस करेंगे, कॉमन वी लुकअप फंक्शन का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी वो कॉलम नंबर जिस कॉलम में आपकी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं सेल्स और सेल्स है यहाँ पर दूसरे कॉलम में, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर हम देंगे 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी मंथ की सेल्स आ गई हैं। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो अन्य सभी मंथ्स की सेल्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर ये जो डेटा आया है वो डेटा आया है लखनऊ सिटी का डेटा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं जो भी सिटी नेम यहाँ पर लिखा हो उस सिटी का डेटा यहाँ पर मंथ वाइज रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन में टेबल अरे को डायनेमिक बनाने के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेबल अरे में रेंज है वो है लखनऊ वाली वर्कशीट की, तो ये वर्कशीट नेम से पहले हम इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनडायरेक्ट टाइप करेंगे, ये देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन उस सेल की वैल्यू रिटर्न करता है जिस सेल का रेफरेंस हम इनडायरेक्ट फंक्शन में देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो टेबल एरे की रेंज है इनको डायनेमिक बनाएंगे,
सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल कोट को डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे, तो डबल कोटेशन का साइन लगाएंगे, सिंगल कोट का साइन लगाएंगे और फिर से डबल कोट, और क्योंकि हम यहाँ पर इस सेल को कॉन्केटिनेट करेंगे तो एम्परसेंड साइन लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस सेल का एड्रेस यहाँ पर आ गया है C3, और क्योंकि हम यहाँ पर फंक्शन को नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो इन रेंज को F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। अब यहां से ये वर्कशीट नेम को रिमूव करेंगे और एम्परसेंड साइन लगाएंगे, डबल कोटेशन का साइन लगाएंगे और सिंगल कोट का साइन लगाएंगे। अब यहां पर ये जो रेंज है टेबल अरे की, इनके लास्ट में हम डबल कोटेशन साइन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बस इतना ही करना है और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं अभी वाराणसी सिटी का जनवरी मंथ का सेल्स डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट हो गया है, सर्च हो गया है। अब यहां से फंक्शन को नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर वाराणसी का डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। ये वाराणसी वाली शीट पर आएंगे, ये आप यहां पर देख सकते हैं। वापस समरी शीट पर आएंगे, अब जो भी सिटी नेम हम यहां पर टाइप करेंगे उसी सिटी का सेल्स डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट होगा मंथ वाइज। अभी हम यहां पर टाइप करते हैं आगरा, एंटर करेंगे, ये आप यहां पर देख सकते हैं आगरा का सेल्स डेटा रिफ्लेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए यहां सर्च बॉक्स में कोई भी नेम नहीं है तो हम यहां से डिलीट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये रेफरेंस एरर रिटर्न करेगा। इसके लिए हम यहां फंक्शन में इफ एरर फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और वी लुकअप से पहले इफ एरर अप्लाई करेंगे, यानी यहां पर जो हमने फंक्शन अप्लाई किया है वो एरर रिटर्न करता है, तो हम चाहते हैं यहां पर लिखा आ जाए न्यू डेटा फॉर्म, तो हम डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे न्यू डेटा फॉर्म को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर न्यू डेटा फॉर्म आ गया है, इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। इसकी खूबसूरती यह है कि मान लीजिए एक नई वर्कशीट पर एक नए सिटी का डेटा एंटर हो जाता है या आ जाता है तो उस सिटी का डेटा भी आप यहां पर सर्च कर पाएंगे। जैसे यहां पर ये वाराणसी वाली शीट है, इसकी हम एक और कॉपी कर लेते हैं यहां पर और इसको ट्रैक करके हम यहां पर लास्ट में रखेंगे। इसको मान लीजिए हम नेम दे देते हैं मेरठ और यहां डेटा में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। समरी शीट पर आ जाएंगे और ये मेरठ सिटी को यहां पर टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं मेरठ का डेटा भी यहां पर सर्च हो गया है। ये आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप विलुकअप फंक्शन के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का उपयोग करके आप अलग अलग शीट से डेटा सर्च कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।